हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवा। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं, यहाँ पर हम गए थे मूवी देखने, क्योंकि तलहा का निकला था ओलंपियाड का रिजल्ट। जीके ओलंपियाड उसने दिया था और उसका रिजल्ट आया था जो कि काफी अच्छा आया था। तो हमें लगा बच्चे को कुछ तो देना चाहिए गिफ्ट, कोई तो ट्रीट उसे देनी चाहिए। तो उसे थिएटर में मूवी देखना बहुत पसंद है, जो कि हम बहुत कम जा पाते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी मूवी, इतनी साफ सुथरी मूवी नहीं जल्दी लगती है। तो हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं मूवी देखना और उसको इस टाइप के एवेंजर्स मूवी हम उसे दिखा देते हैं थिएटर में। तो फिलहाल हमने सरप्राइज ये किया और घर से ही हमने टिकट बुक कर लिए थे और थोड़ा पहले हम मूवी देखने निकल गए थे ताकि वहां पर बच्चे मॉल में भी इंजॉय कर ले। तो हम गए मूवी देखने, सबसे पहले हमने की पेट पूजा, क्योंकि स्ट्रीट फूड हमने इंजॉय किया। ये हुआ कि कुछ भी खा पी कर ही मूवी देखेंगे ताकि पेट भरा रहे, तो मजा आएगी। तो इन लोगों ने जो भी खाना था वहां पर खाया पिया। उसके बाद हम गए थे मॉल के अंदर और मॉल में इन लोगों ने थोड़ा बहुत झूला झूला, घूमा फिरा, जो इनकी मर्जी थी इन्होंने वहां पर किया। उसके बाद हम वहां पर सेल लगी हुई थी तो थोड़ा बहुत हमने सामान खरीदा कि चलो सेल का भी फायदा उठाते हैं। सॉक्स लिया, स्वेटर लिया, छोटू पुटू सा सामान लिया। उसके बाद हम गए मॉल के अंदर और फिर हमने एंजॉय किया हमारी दृश्यम मूवी, दृश्यम 2। दृश्यम 1 भी मैं देख चुकी हूँ और जबरदस्त मूवी है। मतलब आई विल हाईली रिकमेंड यू ऑल, प्लीज गो एंड वॉच द मूवी, इट इज ऑसम। मतलब फर्स्ट हाफ तो बहुत स्लो चला, मतलब लग रहा था कि क्या चल रहा है। दृश्यम 1 ज्यादा अच्छी थी, मगर सेकेंड हाफ में जो धमाल हुआ है, कोई कितना भी दिमाग लगा ले ये समझ ही नहीं सकता कि क्या सस्पेंस है मूवी में। तो मूवी जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगी और साफ सुथरी सी है तो फैमिली के साथ देखिए। तो बस तला भी बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका फेवरेट काम है थिएटर में मूवी देखना, उसे बहुत पसंद है। तो उसने वहां पर देख लिया और वो भी बहुत खुश हुआ, उसे एक छोटी सी ट्रीट मिल गई। फिर हमने वहीं पर डिसाइड किया कि डिनर हम घर जाकर ही करेंगे, क्योंकि फिर डिनर में भी ये लोग यही सब मांगते, अचर कचर ही खाते। तो फिर हम लोग वहां से निकले। रास्ते में हमने खाई आइसक्रीम, उसके बाद हम घर आ गए। फिर मैं हाफ डिनर प्रिपेयर करके गई थी, फिर जो बचा था वो मैंने किया और डिनर हमने घर में किया और फिर हम आराम से सो गए। नेक्स्ट डे छुट्टी थी तो बहुत आराम से नेक्स्ट डे भी हमारा गया, खूब अच्छी वाली पढ़ाई भी बच्चों ने कर ली। तो बच्चे अगर आपके कुछ भी करते हैं छोटा मोटा भी, तो इस तरह का गिफ्ट देना जरूरी है। छोटा मोटा सा ही गिफ्ट दे, इस तरह से बच्चे खुश होते हैं और आगे पढ़ाई में और अच्छा करते हैं। तो आई होप ये छोटू सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।